नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। गोल्स क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसके किस तरीके से चरण होते हैं और इतने किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और हम अपने जो गोल्स हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। तो गोल्स क्या होता है, कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य क्या होता है, ये जीवन का नहीं होता, ये एक साल, दो साल, तीन साल या छः मंथ ऐसे होता है ना, मतलब लंबा नहीं होता। जो बहुत जैसे जीवन का उद्देश्य होता है, पूरे होल ऑफ लाइफ है ना, पर्पज ऑफ लाइफ, उसका उद्देश्य होता है, पर्पज होता है लाइफ का। तो यहाँ पर हम गोल्स की बात करें। गोल्स में जैसे आप क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप स्टूडेंट है, तो स्टडी से संबंधित कैसे गोल्स होने चाहिए और मेंटल हेल्थ, क्योंकि बॉडी केवल स्टडी तो नहीं है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम कर सकती है, इस पर देखना पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या है, आपको ये गोल्स होना चाहिए कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप एक घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो वो डेली एक घंटे होना ही चाहिए, ये कन्फर्म होना चाहिए। फिर वो दिन तो पैसा दूँ नहीं, दिन तो पैसा दें, क्योंकि जिस तरीके से आप भोजन कर रहे हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए और कुछ अल्पतम मात्रा में मेंटल हेल्थ के लिए आवश्यक है, लेकिन कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी लाइफ में कि अब हम अपने आप को मेंटल हेल्थ या मेंटल मानसिक पोषण दें। एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकल गया था कि मानसिक पोषण दें। मानसिक पोषण के लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप स्टूडेंट हैं तो एक सिलेबस के साथ ही साथ कुछ नई नई चीज़ें, नया नया बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जानने के लिए है ना, एनवायरमेंट रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे अपने आचरण से रिलेटेड कई सारी चीज़ें, उनको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। फिर रेगुलरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, इमोशन है। जैसे कभी शादी पड़ गई है ना, घर परिवार में कभी कुछ ऐसा कार्य आ गया कि जहाँ पर वास्तव में इग्नोर किया जा सकता है, समझिएगा नहीं तो आपको हर जगह इग्नोर करने लगे, जहाँ पर वास्तव में इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर किया जाना चाहिए। तो आपके पास ये साहस होना चाहिए कि आप ना बोल सकें कि मैं नहीं रहूँगा, कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना क्यों है, सबसे पहले आप इसका उद्देश्य अपने स्तर पर डिसाइड करिए कि आखिर क्यों स्टडी करनी है, क्यों पढ़ना है, केवल नौकरी के लिए या फिर कुछ जीवन में ज्ञान चाहिए या फिर जीवन से बहुत ऊँचाइयों पर जाना है, बहुत उत्कृष्टता हासिल करनी है। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आपकी स्टडी का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, साक्षरता का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, फिर जाके ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से रन कर पाते हैं जीवन में। मतलब चीज़ों को इग्नोर करना, किसको इग्नोर करना है, वो चीज़ें जो वास्तव में इग्नोर करने लायक हैं, तो किनको इग्नोर नहीं करना। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इग्नोर कर दो, मान लो आपके पास एक घंटा बचा हुआ, आपने 24 घंटे में 23 घंटे बर्बाद कर दिया, एक घंटा बचा हुआ और आपने सोचा कि एक घंटे में पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए और एक घंटे में आप पढ़ने बैठे, ठीक है, किसी को फोन आया, कोई भी हो सकता है, या आप रास्ते में जा ही रहे थे घर पढ़ने और किसी का एक्सीडेंट आप देखते हैं रोड पे हुआ है, और आप ये सोचते हैं कि यार अगर मैं घर जाऊँगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, रेगुलरिटी बनी ही रहेगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को उठाकर, जो भी पर्सन आप अस्पताल ले जाते हैं, तो रेगुलरिटी टूट जाएगी। तो जीवन में ये हमेशा याद रखिए कि कहाँ पर किस चीज़ को तोड़ देना है। यहाँ पर आप रेगुलरिटी अगर एक दिन टूट भी जाती है तो बुरा ही नहीं है, लेकिन आप रेगुलरिटी तोड़ रहे हैं किसी बेवजह काम के लिए तो गलत है। वैसे ही नैतिकता की एक बात आपने सुनी होगी, नैतिक तो होना है ना, नैतिक ईमानदारी है ना, नैतिकता हो, ईमानदारी हो। इसे ईमानदारी के बारे में आपको आचार्य चाणक्य को जाना होगा या सुना होगा, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो राज्य के अंदर ईमानदारी, जितने नैतिक गुणों का समावेश किया था उन्होंने, है ना, और राज्य के बाहर आप स्वयं उनका पढ़िएगा जो उनका राज्य के संबंधित सिद्धांत वगैरह है, आप देखेंगे कि उतनी कुटिलता, बहुत चालाकी के साथ कहते राज्य को सेव करना है। तो कहाँ पर ईमानदार रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है, कहाँ पर नैतिकता से परिपूर्ण होना है, कहाँ पर नहीं परिपूर्ण होना है, ये सब हमें देखना पड़ता है, क्योंकि सत्य ही निरपेक्ष है, बाकी हर चीज़ें सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब एक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों की चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सुकरात का एक कथन है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता,
ये एक ऐसा कथन है कि आप इसे हर समय नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आपको जीवन में ये देखना पड़ेगा कि ये कथन जो है, मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये एक कथन है, तुकरात ने बोला था। तो ये एक अच्छा भी है बुरा भी है, कब इसे हमें मानना चाहिए और कब नहीं मानना चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे चाणक्य ने नैतिकता को कहाँ देखा, राज्य के अंदर बहुत उच्चतम स्तर पर, ईमानदारी को बहुत उच्चतम स्तर पर स्थापित किया है उन्होंने, और राज्य के बाहर दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा हो उसका आप स्वयं देख सकते हैं, कैसे उन्होंने चाणक्य की कुटिलता इतनी बेहतर तरीके से, वो जो राज्य के सिद्धांत और राज्य को तीव्र राज्य की सुरक्षा के लिए कितना नियम बताते हैं उनके जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र, उसमें आप देख सकते हैं। वो अर्थशास्त्र राज के अर्थशास्त्र से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उसकी परिभाषा अलग थी, उन्होंने जो बताया था उसकी परिभाषा अर्थशास्त्र की वो कुछ अलग थी, और आज का जो इकोनॉमी है ये कुछ अलग है। तो यही कि कहाँ पर आपको इग्नोर करना है, कहाँ पर नहीं इग्नोर करना है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिएगा। कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना, लगातार चीज़ों का अभ्यास करना पड़ता है स्टडी में। स्टडी का मतलब कि मैं सिलेबस नहीं कर बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी ना है कि नौकरी मिल जाए यार, मैं यहाँ पर नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना बहुत ही रोचक होता है, पढ़ना इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि राष्ट्र की मूलभूत इकाई आप हैं, मैं हूँ, और अगर मैं या आप वास्तव में शिक्षित नहीं, वास्तव में शिक्षित नहीं, शिक्षित की परिभाषा अलग होती है, वास्तव में अगर शिक्षित नहीं है तो फिर कैसे राष्ट्र उन्नति करेगा, कैसे राष्ट्र विश्व में शांति की स्थापना करेगा। और हर समय समझ रही है, सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं मेंटल गोल्स भी होना चाहिए कि आखिर हमें मानसिक स्तर पर क्या क्या गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, कैसे हमें अचीव करना है, जैसे है ना, कैसे हमें शहादत लेकर आना है, कैसे हमें ईमानदारी लेकर आनी है, कैसे हमें भेदभाव रहितता लेकर आनी है, कैसे हमें एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें मेंटल गोल्स में आप शामिल कर सकते हैं। इससे आप क्या देखेंगे, कैसे आप अपने आप को शाही बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को दृढ़ बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये गोल्स हो सकते हैं मेंटल। तीसरे पॉइंट आता है कि फिजिकल गोल्स आपके क्या है, फिजिकल गोल्स क्या है, जैसे आप मान लो आपका वेट ज़्यादा है, है ना, आप बीमार हैं, आप या बहुत पतले हैं, तो फिजिकल हेल्थ में आपका गोल क्या है, कि आप अगर वेट जाता है आपका तो उसको कम करने, एक महीने में कितना कम हो जाएगा, छः महीने में कितना कम हो जाएगा, आज मैं कितना वर्कआउट करूँगा, तो फिजिकल गोल भी होना चाहिए। तो गोल, क्योंकि बॉडी है, बॉडी की स्टडी के लिए भी रिक्वायरमेंट है, मेंटल हेल्थ की भी रिक्वायरमेंट होती है, और फिजिकल की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें गोल्स इस तरीके से बांटा गया। देखिए ये इतना ही नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो और दो चार पांच चीज़ें जुड़ी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों, ये तो हमने दायरा ले लिया कि ये है, अब क्या देखेंगे कि देखो, अब जैसे मान लो स्टडी बोले, तो स्टडी में आप देखो कि आपका लॉन्ग टर्म क्या गोल है, मान लो आप 11th में हैं, जो भी हैं इसी में भी हैं, तो आप देखिए ना कि मान लो लॉन्ग टर्म आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्या लॉन्ग टर्म बना लिया कि मैं 6th मंथ में 12 पुस्तक पढ़ूंगा, और वो कितना पेजेज है टोटल 12,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड मतलब एक महीने में कितना खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए इसका मतलब 2000 मतलब एक महीने के अंदर आपको 2000 पेजेस पढ़ लेने हैं, कम से कम 2 बुक अगर आप कंप्लीट करते हो 2 महीने के अंदर, तो क्या होगा, या मिड मंथ में जो भी है, 1 महीने के अंदर देखो क्या, देखो 24 घंटे, फिर 1-7 दिन बाद, फिर ये 30 दिन का हो गया। अगर आप 30, देखो पहले आपने एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि हाँ ठीक है मैं 6 मंथ में 12 पुस्तक खत्म कर दूंगा, और कितना है 12,000 पेजेस। फिर आपने देखा कि मैं अच्छा, अगर मैं 6 मंथ में इतना मुझे ख़त्म करना है, तो 1 मंथ में कितना ख़त्म करना पड़ेगा, 2 पुस्तक, यानी 2000 पेजेस। फिर 1 सप्ताह में आपको कितना ख़त्म करना पड़ेगा, भैया इसका 4 भाग कर लूँ, लगभग 30,000 जो बैठाएगा,
मतलब 500 पेजेस कितना, एक सप्ताह में 7 दिन में आपको 500 पेजेस पढ़ने हैं, मतलब लगभग लगभग आधी बुक एक दिन में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा भैया? 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 × 57 लगभग 70 पेजेस आपको पर डे पढ़ने पड़ेंगे। अब एक चीज़ हमें याद रखिएगा, अगर आप 70 पेजेस पर डे नहीं पढ़ रहे हैं, 75 पेजेस पर डे नहीं पढ़ेंगे, तो ना तो ये वाला आपका गोल पूरा होगा, ना ये वाला पूरा होगा, ना ये वाला पूरा होगा। तो ये स्टेप होते हैं, और ये जो है ना इमीडिएट गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये 24 घंटे में, अगर आपका 24 घंटे बेहतर नहीं हुआ तो फिर वो तो प्रभाव है ना। जैसे मान लो ये तालाब है, इसमें आपने एक क्या डाल दिया, बॉल डाल दिया, तो लहरें उठती है ना। तो अगर ये 24 है, ये पहला है, मतलब एक 24 घंटे इधर के, यहाँ आपसे ही डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया या गोल पूरा नहीं होगा, तो यहाँ भी आप गोल पूरा नहीं होगा। तो इनको बात कर रहा है, आप यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं पहले दिन का, तो कहाँ ये अचीव हो जाएगा, ये भी अचीव नहीं होगा। तो फोकस किस पर करना है, एक दिन पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। मेरे पास 24 घंटे, 24 घंटे में जो हमने वो बनाया है, जो हमने टारगेट डिसाइड किया है, वो कंप्लीट होना ही होना चाहिए बस। अगर ये कंप्लीट होता है तो ये भी कंप्लीट होगा। मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, इसको तो मैंने स्टडी के रूप में बता दिया, आप मेंटल में ही ले लीजिएगा 6 मंथ में आपको, है ना, कितनी इससे रिलेटेड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें सीख लेनी है, कई है ना, इसके क्या क्या सीख लेनी है, कई चीज़ है ना, फिर उसको इतने में तोड़ दीजिएगा इतने में, इस तरीके से। जैसे आप मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, और घर की दीवार की फुट कितनी है, 10 फीट की ऊंचाई है, तो आप मान लो 10 दिन में बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल आपका कितना होगा, 10 दिन। तो मिड टर्म गोल क्या होना चाहिए, एक दिन में मान लो आपको कितना बनाना है, 1 बनाना है, और 10 दिन में कितना बनाना, तो मतलब इसका मतलब अगर मिड टर्म का मतलब 5 दिन के लिए बनाओगे आप, 5 फुट तो बनना चाहिए ना। तो पहले दिन तो आपको 1 फुट बनाना ही पड़ेगा, और आप पहले दिन ही उस दीवार का 1 फुट नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे 10वें दिन वो 10 फुट कंप्लीट होगा। तो फोकस किस पर करना है, 24 आवर पर टारगेट बनाएंगे, फिर हो उसमें बहुत बेहतर काम करना है, क्योंकि एक ही दिन तो है, उसके बाद हमें पता नहीं होता ना, तो उसके पहले का जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है, अभी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।